ऊपर से ऊपर से पीना ये क्या है लोकल है हरिया बोलते हैं इसको हां हरिया इसे वीडियो बना रहे क्या हां नहीं ये गलत बात है नहीं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से और एक बार मैं हूं ऑल इंडिया ट्रैवलर फूड ब्लॉग और मेरे साथ आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आज मैं आया हूं एक विलेज मार्केट में तो यहां पे क्या होता है देखते हैं छत्तीसगढ़ में तो बने रहिए पूरे वीडियो में शुरू करते हैं बिना देरी के और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए तो हम लोग ये पूरा मार्केट है देख सकते हो और यहाँ से पूरा शुरू करेंगे हम लोग एक एक करके और ये मेरा मित्र अभी तक इनके घर में रुका हूँ और यहीं से साथ दे रहा मेरा चलो कहाँ जाना है तो यह है वेजिटेबल मार्केट तो प्राइस अभी यहाँ क्या चल रहा है टमाटर 30 और ये लौकी 30 वाला सब 30 है और यह मिर्ची कैसा है मिर्ची नहीं पूरा किलो किलो 80 रुपया अच्छा नहीं नहीं वीडियो वीडियो तो यहाँ का प्राइस इस प्रकार है चले कुछ अलग क्या है तो साग है यहाँ पे भी मिलता है साग वगैरह कैसे वीडियो बना रहे थे हाँ भाई कैसा है 40 ये क्या है कद्दू बोलते हैं कद्दू कद्दू कैसा है प्राइस 10 एक पीस का 10 अच्छा और ये हाथ से बनाया इसे क्या कहते हैं मटका तो ये किस काम के लिए कैसा बनता है अच्छा कुट कुट क्या बोला चुक्का ये अच्छा गुल्लक जो पैसा रखते हैं अंदर अच्छा अच्छा ये सब मिट्टी से बनता है अच्छा ये अंकल है तो ये अंकल का दुकान है यहाँ पे पूरा क्या मटका मटका मिलेगा यहाँ पे अंकल के दुकान में आप लोग इधर आ रहे हो तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो ये वो कद्दू का साग है ना हाँ हाँ नहीं समझा टमाटर दादा 30 एक ही प्राइस में बिकता है क्या सब दाम को कम हो जाएगा अच्छा और मिर्ची कितना बोला 80 रुपया लेंगे खीरा कैसा है खीरा होगा 20 रुपया 20 रुपया किलो 20 रुपया तो वेजिटेबल मार्केट कंप्लीट कर लिया अभी यहाँ कपड़ा मार्केट है तो यहाँ पे देखेंगे कैसा होता है हाँ क्या है महुआ क्या चीज़ से बनता है वो पेड़ रहता है उसका
अच्छा ये है, चलो आप होटल है। ये क्या महुआ है? दारू बनता है, किलो किधर नहीं है? नहीं है ऐसे वाला। ये कैसे किलो कैसे बनता है? किलो 40, तो इससे दारू बनता है। अच्छा अभी पता चला, मुझे पता नहीं है ना, देखा भी नहीं है कभी। तो ये ये क्या बोलते हैं, महुआ ना, महुआ बोलते हैं। अच्छा तो ये इधर बाजार में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इससे लोकल वाला दारू, देसी वाला दारू बनता है ना। तो चलिए देसी वाला दारू कैसा है दिखाइए। हाँ नहीं ना, तो ये पूरा जो है कपड़ा मार्केट है। अच्छा इधर लड़कियों का स्टाइलिश वाला है, तेरा भी स्टाइलिश है। चलो ये हमारा इधर हमारा काम नहीं है, चलो ये लड़कियों के लिए काम है। चलो क्या लेना है, हाँ इधर से माला वगैरह लेना है। चलो थोड़ा बाजू हाथ, तो इधर कुछ लेना है, कस्टमर्स आए हैं है ना। घूमने चलो चलो, क्या कुछ लेना है क्या ये बताओ। पापा भी आया है। हाँ चलो, अच्छा उस दिन वाला दोस्त है ना, उस दिन वाला दोस्त। ठीक है फिर घूमते हैं। इधर मछली वगैरह मिलता है क्या, चिकन वगैरह? किलो कितना है इधर? हाँ 240। अच्छा 240। और मछली कितना बिकता है? 200। सिमिलर प्राइस है। अच्छा ये सूखा मछली, सूखा मछली कैसा है? 20 रुपया। अच्छा एक एक वो एक एक का 20 रुपया। अच्छा और ये 40। अच्छा ये फिजारी वाला है, नाला के? अच्छा अच्छा नाला के। तो इस प्रकार यहाँ का प्राइस है, देख सकते हो आप लोग। क्या चिकन इधर तो बहुत कम है भाई, हमारे उधर कितना है पता है? मुरा बोलते हैं। अच्छा ये मुरा है, ये तुरंग चावल से बनता है क्या? अच्छा भैया स्टैंड। तो ये देखते हैं बिस्कुट, बहुत प्रकार के, अनेक अनेक प्रकार। इसको क्या बिस्कुट कहते हैं? हाँ भैया स्टार। और ये हाँ लड्डू, लट्ठो। अच्छा और ये सलोनी है, और ये इसको क्या कहते हैं? अच्छा पीठा। ये तो है, तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बिस्कुट वगैरह पाया जाता है। चलो और छद्दी वगैरह लेना है तो बोलो। हाँ अंदर वेयर नहीं चाहिए? अच्छा अभी ठीक है यानी के। तो ये क्या है? अच्छा औजार इस प्रकार भी कहा जाता है। तो ये बाजार का नाम क्या है? लामगांव। जोर से बोल, लामगांव। अच्छा लामगांव। तो ये भी अंबिकापुर के जिले में आता है? हाँ अंबिकापुर जिला है, सरगुजा है, छत्तीसगढ़ है। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बस बाजार में घूमने जा रहे हैं। अच्छा तो इस तरफ क्या मिलने वाला है देखते हैं, आगे जाके क्या मिलता है। तो यहाँ पे लोकल मिलता है शायद, उस बाजार में शायद वो दिखाया था, वो उसी से बनता है शायद ये। अच्छा ये है, तो ये लोकल देसी, ये देसी दारू है ना। अच्छा कैसे है? अच्छा हरिया है, अच्छा दारू नहीं है। कैसा है? 30 रुपया। थोड़ा सा टेस्ट करूँ? चलो पकड़ कर दिखा। तो ये लोकल ऊपर तो पीना, ये क्या है लोकल है, हरिया बोलते हैं इसको। हाँ, हरिया। तो ठीक है थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं हम भी, कर ले। यहाँ का कैसा है? राइस बियर, ठीक है। अच्छा राइस बियर है, ओके नाइस। इतना तो नहीं है, ये नॉर्मल है, तो ये कुछ नहीं होता, इफेक्ट नहीं है।
ज़्यादा पिएगा तो इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा पिएगा तो हो सकता है इफेक्ट पड़ेगा। तो काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे पूरा तादाद पे पाया जाता है। नहीं नहीं ये नहीं नहीं ऐसा वाला नहीं है, ये नॉर्मल ब्लॉग है, ठीक है, ऐसा कोई आपत्ति आपत्ति वाला नहीं है। घूमने का यहाँ से कैसे है वो देखने के लिए, ये तो शहर में पूरा अंबिकापुर में चल रहा है, बनाया है। अरे हाँ हाँ सब सब बनाए हैं, अपना फेसबुक में डाले गए। हाँ 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 यूट्यूबर वाला, कोई आपत्ति वाला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यूट्यूब में डाले हैं, नहीं नहीं ये इस गांव में ऐसा होता है, ऐसा होता है, वाड़ा का जिसे बनाए हैं। हाँ हाँ तो एक्सप्लोर करते हैं हम, एक्सप्लोरर तो किस प्रकार होता है। हाँ हरिया कोई आपत्ति नहीं है ना, मैं अभी टेस्ट करके देखा, ऐसे कोई हानिकारक वाला नहीं है, है ना, तो ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। और थोड़ा जैसा मैं पी रहा हूँ, मत बनाना भाई। नहीं नहीं आप पी रहे हो, नहीं मेरा दोस्त पी रहा है, वो बना रहा तो मैं डिलीट मार दूंगा। हाँ हाँ अभी पूरा टेस्ट कर रहा है, तो कैसा लगा। अच्छा लग रहा है। तो कौन सा वाला बेस्ट लगा, बेस्ट मतलब किस हिसाब से बेस्ट कहोगे। सब ठीक है। अच्छा उनका डिफॉल्ट है, उसका बोलो ना डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब इतना टेस्ट नहीं है ये वाला बेस्ट है ना। अच्छा इतना टेस्ट नहीं है इसका मतलब। तो कौन सा बेस्ट लगा बताओ, दोनों में से दो टेस्ट किया है। तुम चलो चल 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 किसको बोलेगा, बोतल उतल नहीं है। इसका प्राइस है एक मग का 20 रुपया, जो मग दिख रहा है। तो और थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ ताकि पेट साफ हो, इससे बहुत ही हानिकारक नहीं होता, ये बहुत ही अच्छा होता है, लाभदायक होता है, मोटा होता होते हैं। हाँ अभी मैं पतला हूँ तो मोटा भी होना है, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा दवाई है। तो ऐसा नहीं है, ये चावल का पानी है, तो चावल तो खाते ही है, तो उसका पानी है। इसको ताड़ी बोलते हैं। हाँ क्या बोलते हैं, ताड़ी। क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्या बोलते हैं इसको, हांजी हांजी। हाँ हांजी बोलते हैं इसको। तो ये देखो पीस गया, नमक। हाँ तो कैसा लगा भाई साहब आपको। नाइस ओके। तो देखो वीडियो आप लोग बना के जाइए, नहीं मन वीडियो बनाए यहां तो किसी लोग चीज कर ही वो वाले नहीं मिलते हैं, धरने के दाम रखते हैं। मतलब क्या क्या दिया जाता है इसमें, चावल और जंगली जड़ी बूटी। जंगली जड़ी बूटी, अच्छा वो जो मार्केट में दिख रहा था। हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, हाँ, वो दिख रहा था। और क्या क्या दिया जाता है इसमें, मिलाया जाता है बस। तो बस तो ये क्या बन रहा हमारे लिए। हाँ ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, मतलब दोस्त बना दीजिए। नहीं नहीं लोगों को दिखाते हैं क्या क्या बन रहा है इधर, है ना। डाल देंगे सब डाल। क्या मिक्सर, इसको क्या कहते हैं। हाँ बाप लड़का क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं। हाँ क्या कहते हैं इसको, नहीं पता भैया बताएंगे। क्या क्या कहते हैं इसको, चटपटी चना मुर्रा। तो हमारे लिए चटपटी चना मुर्रा बन रहा है, कितने रुपया का ये। हरिया पीने के लिए 20 रुपया का, हरिया पीने के लिए। तो भैया ये भाई साहब को हरिया के साथ इसको चकना ले रहा है, मतलब ये चकना के लिए यूज करता है। दारू हो इंग्लिश हो दारू हो कुछ भी, अच्छा के लिए यूज होता है। अच्छा अच्छा हम तो ये खाने के लिए यूज कर रहे हैं, खाने नहीं वही खाने के। अरे खाने के लिए तो कब यूज करते हैं। तो देखो ये भाई साहब लोग पूरा हरिया पीने के लिए पूरा रेडी है। पहले तू घर में मार खवाएगा तभी तुझे इसको मारा। ये कोयला का आ गया क्या, लकड़ी का है, लकड़ी का। अच्छा नमस्कार।
मुर्गा काट रहे भैया ठीक से दे रहा है कम करा चलो आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश का है दोस्त खा गरम गरम चटनी के साथ अच्छा टेस्ट है भाई चटनी भी टेस्ट करो बस 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 टेस्ट करके देखो बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसको क्या कहते हैं बोले मिक्सचर इसको बोलते हैं भुंजिया चना पुटेरा बोलते हैं अच्छा चना पुड़ी ना चना पुटेरा बोलते हैं ओके ओके तो आज का वीडियो बस यही तक और मिलते हैं अगले ब्लॉग में और कैसा लगा थोड़ा कमेंट में बताना और ये भाई लोग देख सकते हो यहाँ पे कहाँ के हैं आप लोग यहीं के हैं यहीं के हैं अच्छा तो कैसा लगा ये मार्केट आप लोग इधर आते हो हमेशा आप लोग के इधर बहुत सस्ता सामान मिलता है मतलब जो सब्जी वगैरह है यहाँ पर हर चीज़ मिलता है इधर बगल में और सब मिलता है और इधर में क्या खास है इधर में बहुत खास है चना पुटेरा खाने इधर का बेस्ट है अच्छा तो इसी प्रकार है बहुत अच्छा उसके लिए अच्छा अच्छा तो इसी प्रकार यहाँ पे मार्केट होता है और मिलते हैं अगले और नया जगह में तो इसी प्रकार अलग अलग प्रकार चीज़ देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में बाय बाय सभी को थोड़ा बाय बाय बोल दीजिए और थोड़ा सपोर्ट करने के लिए बोल दीजिए।